हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। चलिए आज हमारे पास है क्लास थ्री का सामाजिक ज्ञान का यानी कि SST का ये जो पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हमारा ये रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो आप सभी को पता है हमारे घर में क्या आता है भाई, नल से पानी आता है। ठीक है, दिल्ली के गांवों की भाषा दोस्त को क्या कहते हैं? दोस्त को ठैनी कहते हैं, ठटनी। ठीक है, ढटनी कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं, मैं ही गलत बोल रहा था, सॉरी। ढैठनी, ठीक है, इस तरीके से। आजकल दिल्ली की सड़कों पर कौन सा वाहन दिखाई नहीं देता है? तो बच्चों वो है ट्रॉम। ठीक है, ट्रॉम वाहन नहीं दिखाई देता है। और कजरी का मोहल्ला कैसा है? कजरी का मोहल्ला अनोखा है। ठीक है, कैसा है भाई? अनोखा है। पराठे वाली गली में क्या मिलता है भाई? नाम है, मैं नाम में ही आ रहा है पराठे, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या मिलने वाले हैं? पराठे। और आगे देखते हैं भाई, कजरी पांचवी कक्षा में पढ़ती थी? नहीं जी, ये गलत है। कजरी कौन सी क्लास में पढ़ती थी जल्दी से कमेंट में बता दो भाई। आपको पता है कि कजरी कौन सी क्लास में पढ़ती थी तो कमेंट में जल्दी से बता दो सही गलत की। ये हमारे क्वेश्चन है। चांदनी चौक अकबर ने बनवाई थी? नहीं, चांदनी चौक अकबर ने नहीं बनाई थी। क्या आपको पता है ये पुरानी वर्कशीट में आया है? यदि आपको पता है चांदनी चौक किसने बनवाई थी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चांदनी चौक में बंगला साहिब गुरुद्वारा है? जी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी? जी हाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने मनपसंद खेल का नाम लिखिए। मेरे मनपसंद का खेल का नाम खो खो है। ठीक है, आपका मनपसंद खेल कौन सा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपने आप चलने वाली सीढ़ियों को क्या कहते हैं? उनको एस्केलेटर कहते हैं, जो कि आपको मेट्रो में जाएंगे आप तो मेट्रो में आपको देखने मिल जाएगी। किसी मॉल में घूमने जाएंगे तो वो वहाँ भी आपको इस तरह की सीढ़ियाँ दिखाई दे जाती हैं। दिल्ली का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो उस चर्च का नाम है सेंट जेम्स चर्च। चांदनी चौक किसने बनवाया था? तो चांदनी चौक शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है, जी हाँ, जामा मस्जिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर खेल का नाम बताइए। क्या खेल रहे हैं बच्चे? गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ठीक है, और भाई किस किस ने गिल्ली डंडा खेला है मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, कौन कौन बच्चा है जिसने गिल्ली डंडा खेला हुआ है। वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है उनको थोड़े 3 अंक के हैं और थोड़े अधिक लाइन में, मतलब जैसे एक शब्द वाले क्वेश्चन नहीं है, इनको पूरी पूरी लाइन लिखनी है, एक या दो लाइन में आपको इसका आंसर देना है। गांव में तालाबों का महत्व लिखिए। तो गांव में रोज़मर्रा की पानी की ज़रूरतें तालाब से ही पूरी होती हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बारे में बात करें तो पीने का पानी, पशुओं के लिए पानी, इस तरीके के और जो भी यूज़ आता है वो सब डेली ज़रूरतें, वो सब किससे पूरी होती हैं भाई? तालाब से पूरी होती हैं। चलिए, त्योहारों के दिनों में कजरी का मोहल्ला कैसा दिखाई देता है भाई? त्योहारों के दिनों में कजरी का मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई देता है। दुल्हन की तरह सजा हुए का मतलब है बहुत सारी लाइट, ठीक है, और रंग बिरंगे घर। ठीक है, यहाँ दुल्हन की तरह सजने का मतलब है रंग बिरंगे घर रहेंगे और बहुत सारी लाइटें लगी रहेंगी। ठीक है, आपको पता है दिवाली के त्यौहार में कितनी सारी लाइटें लगी रहती हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये जो कार्यपत्रक था, ठीक है, क्लास थ्री का, ये पूरा हो जाता है। कहीं भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो भाई,
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, ताकि इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपके पेपर भी 27 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो देखें और लाइक करना ना भूलें।